वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जैसे कि आपके साथ ब्रेक से पहले शेयर किया, कल आने वाले कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाएगा. और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, ये मर्ज होता क्या है, क्यों होता है, इसका क्या कोई इलाज है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस सब से रिलेटेड हम आपको अवेयरनेस देंगे और ये भी जानेंगे कि हेल्दी डाइट, वर्जिश और परहेज से इस बीमारी को क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है. तो आइए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट से, अपने एक्सपर्ट से. प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. वेलकम टू जगन्नाथ होम. थैंक यू. आपके साथ हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान ने, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो डॉक्टर साहब, बात हम आपसे शुरू करेंगे. ये डायबिटीज, डायबिटीज, शुगर, ये एग्जैक्टली है क्या? बहुत से लोग, अल्लाह का शुक्र है जिनको ये बीमारी नहीं है, उनके किसी जानने वाले को नहीं है, उनको पता नहीं होता कि क्या होता है. और अक्सर डायबिटीज कुछ देर तक होती है, उसके बाद इंसान को पता चलता है कि क्या है. तो व्हाट इज डायबिटीज? ये है क्या? बेसिकली डायबिटीज का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जब आप गिजा लेते हैं तो उससे जो बेसिक आपको एनर्जी या फ्यूल मिलता है वो एक, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं एटीपी, ये ग्लूकोज से बनता है और ग्लूकोज हमें गिजा से हासिल होती है. सो डायबिटीज़ ये है कि ये ग्लूकोज आपके जिस्म में जो बेसिक यूनिट सेल है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हुई हुई है वो सेल है. वो जिस्म का सर से पांव तक सारा जिस्म सेल्स का बना हुआ है, उसको एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज उसको गाड़ी में पेट्रोल डलता है उसी तरह हमें इसकी जरूरत है. बिल्कुल ऐसी. सो ये ग्लूकोज उस वक्त मिलेगी जब इंसुलिन मौजूद होगी और इंसुलिन अपना काम इफेक्टिवली करेगी. सो बेसिकली पैथोलॉजी दो हो गई, एक वो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन में फॉल्ट है, इसको हम टाइप वन कह देते हैं, कम उम्र में होती है और ये जीन्स जेनेटिकली नहीं होती, ये अक्वायर होती है. यानी किसी वजह से वो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. और वो ऐसा नहीं होता उमूमन के एकदम से सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होते हैं. दूसरी चीज होती है कि इंसुलिन बन तो ठीक रही है लेकिन अपना काम ठीक ना कर सके, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं. अब जब रेजिस्टेंस होगी तो जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं उनको मैसेज ये जाएगा कि मजीद बनाओ, तो वो इंसुलिन बनना अगर चेक करेंगे तो इंसुलिन के लेवल्स हाई होंगे उनमें, ऐसे मरूसियत में होता है. और उमूमन जब वो रेजिस्टेंस होती है तो काम उनका ये था कि उन्होंने सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर वो रिसेप्टर्स ओपन कर देना थे इंसुलिन ने, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर मूव कर सके. ठीक है. सो इट कांट मूव इन. सो अब जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी वो सारी इस वजह से होंगी कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही है, उसके मेटाबोलाइट्स वो बन रहे हैं जो अलामतें पैदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनकी वजह से खून की छोटी और बाद में लेटर ऑन बड़ी नालियां मुतासर होना शुरू हो जाएंगी. सही. तो इसका डायबिटीज का आंखों से क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा गाइड करें? बहुत अच्छा सवाल है. आंखें में दो चीजें काम कर सकती हैं. शुगर जिस तरह है वो कई बार सेल्स के अंदर ज्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आपके अगर वो लेंस जिससे आप देखते हैं अगर उसमें इकट्ठी होती है तो उसके साथ आपकी ऐनक का नंबर बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है या बदल सकता है. उनको सफेद मोती है जो नॉर्मली लोगों को बनता है वो तेजी से बनना शुरू हो जाता है. ठीक. और तीसरी जो पीछे आपको प्रॉब्लम आती है, पर्दे के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं शुगर की वजह से, जिसके अंदर खून की नालियां, जिस तरह डॉक्टर इमरान ने बताया कि खून की नालियां लीक करना शुरू कर देती हैं. ऐसे समझ लें एक पानी की पाइप जा रही है और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दिए आपने और जब आप पाइप ऑन करते हैं तो फुहारे की तरह पानी साइड पर निकलना शुरू हो जाता है. तो इसी तरह शुगर के अंदर वो चीजें लीक करती हैं और पर्दा आपका गीला रहना शुरू हो जाता है, वेट रहना शुरू होता है, जिससे वो फंक्शन नहीं कर सकते सेल उसके. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज है? दैट्स एन एक्सलेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे सिम्टम इसी पैथोफिजियोलॉजी के अराउंड करते हैं, मतलब सर्कुलेट. क्योंकि डॉक्टर साहब बसरा ये होता है ना कि आप घोड़े को पानी तक लेके जाएंगे तो वो पानी पिएगा, अगर घोड़ा पानी तक ही नहीं पहुंच पा रहा, उसको पता ही नहीं है उसको क्या है, तो
अब आप ये देखें ना, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूंगा कि एक आदमी जिसको डायबिटीज है, बेसिकली खून में सर्कुलेट कर रही है और सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, तो सेल का अपना हाइड्रेशन यानी वीकनेस हो जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो डिहाइड्रेटेड भी होगा और वीक भी हो जाएगा. सो वेट लॉस शुरू हो जाएगा ऐसे मरीज को अगर वो टाइप वन होगा. तो आपका अगर बहुत ज्यादा स्पीड से वजन कम हो रहा है तो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये बुरी बात है. ये टाइप वन की एक अलामत है. इसी तरह से दूसरी चीज कि जब आपकी ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो किडनीज विल एक्सक्रीट इट आउट. सो वो यूरिन में ज्यादा आना शुरू हो जाएगा और यूरिन में शुगर ज्यादा आएगी तो अपने साथ वाटर को भी वाटर लॉस होगा, तो अगेन डिहाइड्रेशन होगी और इसकी वजह से पेशाब उसको बार बार आना शुरू हो जाएगा मरीज को. और तीसरी अलामत जो बड़ी इसमें पैदा होती है वो इस वजह से कि क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है तो प्यास ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी. सो अब भलक सूखेगा, आदमी पानी बार बार पीने की कोशिश कर रहा होगा. डॉक्टर साहब डायबिटीज है, डॉक्टर साहब डायबिटीज अभी मैंने कुछ चार घूम पानी के पीले, इनकी बातें सुनते सुनते शायद स्ट्रेस, मेरे ख्याल में स्ट्रेस की वजह से, बट देयर आर अदर रीजंस एज वेल. नहीं, क्योंकि मेरी अब्बू के साइड पर भी डायबिटीज है और मेरी अम्मी को भी. ये अलामतें वुमन टाइप वन की है. टाइप टू यानी जो 30 प्लस में होती है, जो मरूसियत में होती है, उसमें ये अलामतें उमूमन नहीं होती, साइलेंट होती है. शुक्र है मैं 21 की, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई एम कंप्लीटली जोकिंग, 30 प्लस ही हूँ जी डॉक्टर साहब. बहरहाल ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो पैदा हो सकते हैं. इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर सिम्टम्स विच कैन. सो बेसिक क्लासिकल सिम्टम्स हैं बार बार पेशाब आना, आपके कमजोरी महसूस होना, वेट लॉस होना और प्यास का बार बार लगना. और इसके साथ में जो जब टाइप टू में और अलामतें पैदा होती हैं उनके अंदर बाज़ोकात जब वो क्योंकि साइलेंट रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उनको और चीज़ें उसकी वजह से जिस्म के अंदर मेटाबोलाइट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगता है, उनको बाज़ोकात दिल के मसाइल शुरू हो जाते हैं या पैरों के शुरू हो जाते हैं. तो फर्स्ट टाइम वो कंप्लेंट ही उस वक्त आके करते हैं क्यों जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है. तो आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब आपके पास भी लोग आते होंगे तो आप उनका फिर चेक कराते होंगे कि अपनी डायबिटीज चेक करें. कई बार दो तरह के मरीज आते हैं, एक जिस तरह इमरान साहब ने कोई मरीज देखा और उनको शुगर होगी तो वो हमारे पास भेजेंगे कि देख ले इनके पर्दा तो नहीं अफेक्ट हुआ. दूसरे वो है जिनको हम पहली बार देखते हैं, वो चेक कराने आए होते हैं अपनी आंखें वैसे ही रूटीन में, तो वो उनको कह दिया कि हाँ जी आपको पर्दे के अंदर ये अलामत आ रहे हैं, आप अपनी शुगर चेक कराएं. कई बार वहां से डायग्नोज होती है उन्हें पहली बार पता लगता है. तो डॉक्टर साहब आंखों में मसाइल आ रहे हैं इंसान, आपने तो जो बातें कही वो आपने टेक्निकल बातें बताई ना, मूर्तियां उतर रहा है और आंखों का पर्दा गीला हो रहा है वो फंक्शन, बट अगर किसी को डायबिटीज है और उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रही है या उसको नहीं पता उसको, तो उधर क्या इंडिकेशंस आएंगी आंखों में, अगर थोड़ा सा वो गाइड कर दें. इसमें दो किस्म की चीजें सिंपल अगर उसको कर ले, एक है कि किसमें लोगों को अलामत आएंगे और एक है जिनको देर से आएंगे, जब तक आएंगे तब तक काफी आगे जा चुके होंगे. अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है कि आपको अर्ली पिक करना, स्क्रीनिंग करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसमें कई बार होता है डायबिटीज में अक्सर ये होता है कि जब तक उनको अलामत सबसे बड़ी है नजर कम होगी आपकी, नजर कम होगी, नजर धुंधली होगी वो सफेद मोतियों की वजह से. किसी को अगर पीछे इसमें लीकेज है उससे कई बार कोई लोगों को टेढ़ा भी नजर आता है, वो पर्दा गीला हो जाता है, जो लाइट पड़ती है अक्स बनता है वो पर्दे के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है. ठीक है, ठीक है, वो एक चीज है. तीसरी चीज है खून के धब्बे, ब्लैक स्पॉट एकदम बहुत सा आना और एकदम नजर बंद हो जाना, इसका मतलब आंख के अंदर ब्लीडिंग हुई है और सारा कुछ आपका आपको नजर आना एकदम बंद, बहुत बड़ी अलामत है. तो मरीज से पूछते हैं कि ऐसी चीज तो नहीं हुई आपको, तो वो बहुत अगर इस स्टेज पे पहुंच गया है तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा एडवांस हो गया, मामला ज्यादा खराब हो गया, ज्यादा हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, एक तो हमने सिम्टम्स की बात की लेकिन ये क्यों, देखिए आपने टेक्निकल रीजन बताई बट हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है. मुझे किसी ने एक दफा कहा कि भाई अगर तुम्हारी अम्मी को डायबिटीज है और तुम्हारे मेरे अब्बू हयात नहीं है लेकिन आपके फादर को भी होता तो 100% चांस था कि तुम्हें भी डायबिटीज होगा, क्या ये सच है डॉक्टर? 100% की बात नहीं है लेकिन जेनेटिकली अगर किसी फैमिली में रन कर रही है डायबिटीज तो टाइप 2 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. इसके
अलावा एक किस्म जो जैसे अभी मैंने बताया ना आपको टाइप 1 2 बताई कि टाइप 1 कम उम्र में इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 जरा थोड़ी उम्र के बाद होती है. इसके अलावा भी एक मैच्योरिटी ऑनसेट किस्म है जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, ऐसे निस्बतन मरीज कम होते हैं. और अभी तक इस सिलसिले में जितनी रिसर्च हुई है कुछ 13 के करीब जीन्स आइडेंटिफाइड भी हैं, लेकिन इनमें से ये रिलेटिवली अनकॉमन है कि वो कम उम्र में भी शुरू भी हो जाएं. और ऐसे मरीज उमूमन बहुत ज़्यादा उनको अलामतें भी ज़ाहिर नहीं हुई होती. इंसिडेंटली ये हम बात मालूम कर लेते हैं जब किसी और वजह से आए, शुगर चेक हुई कि वो उनकी डायबिटीज़ भी निकल आई. लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हम ऐसा क्या करते हैं जिस वजह से ये हो जाती है, एक तो जीन्स है ना जो आप अपने विरासत में लेकर आ रहे हैं, उसके अलावा आपका बेसिकली लाइफस्टाइल है. हम मैं भी यही समझता था कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है तो यहाँ पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं. असल में हमारी चॉइसेस फूड के बारे में बहुत अच्छी नहीं है, और इसी तरह से जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जितनी आसानियाँ आती जा रही हैं कि मतलब अब टेलीविजन भी देखना है तो वॉल्यूम जाके नहीं बढ़ाना बल्कि वहीं से बैठे बैठे उसको. सो बेसिकली लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आप जो रेकमेंडेशंस हैं वो तो ये कि ना आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज रोजाना करते हो, व्हिच प्रैक्टिकली वी आर नॉट डूइंग. डॉक्टर साहब देखिए एक चीज जो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि देखो ना मैं 40 मिनट वॉक करती हूँ, हमें एक्चुअली दिन में 3-4 घंटे वॉक करनी चाहिए. अब उस वॉक से मुराद ये है कि उठ के मतलब अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है तो आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप अपनी गाड़ी दूर जगह पे पार्क करें या बाइक किसी दूर जगह कहीं दूर पार्क करें और चल के जगह पे जाएं. होना ये शुरू हो गया है कि हर चीज इतनी ज्यादा पैकेज और इतनी आसान हो गई है कि खाना बनाने के लिए इंसान खड़ा होता था, चॉप करता था, चीजें करता था, अब हम वो भी नहीं करते. सफाई के लिए हम किसी को हायर कर लेते हैं, वो आके आपके घर की सफाई कर रहा होता है, इस वजह से आप उठ के डस्टिंग तक नहीं करते. तो जो नॉर्मल एक्टिविटी थी इंसान की, हंटर गैदरर वाला जो सिस्टम था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसीलिए जिस्म फैलने शुरू हो गए हैं. और मेरा ये जो मेरे ख्याल से 30-40 मिनट पर डे की एक्सरसाइज है, एक्चुअली हमें उससे ज्यादा ही रेकमेंड करना चाहिए. पाकिस्तानी तो जनरली साउथ एशियन हिलते नहीं है. ये रेकमेंडेशन तो वैसे ये है कि 150 मिनट्स आप वीक जरूर एक्सरसाइज करें, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, पुराने जमाने में इतनी सवारियां नहीं होती थी, ऑटोमेटेड साइकिल पे लोग या पैदल सफर करते थे, और इसी तरह से रोजमर्रा जिंदगी में भी इतनी आसानियां नहीं थी. फूड चॉइसेस ये जो हमारे फास्ट फूड हैं उन्होंने बेसिकली काफी कबाड़ा किया कि आप मतलब आसानी के साथ बाजार से खरीदा और वो घी में सारा, और घी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है अगर वो किसी चीज में मिल जाए, जैसे चावल में ही मिल जाए, वो पुलाव बन जाए, तो वो कई गुना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है. उबली हुई चीज खा रहे हैं, या इसी तरह सादा रोटी है, साइज वाइज हम रोटी और चावल बराबर लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन अगर उसमें घी मिल जाए, चुपड़ी हुई या पराठा हो जाए, तो अब आप सोच लीजिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ गई. और फिर जब आप ये करने के बाद वर्जिश भी ना करें, रीसेंट स्टडी जिसने ये साबित किया है, पहले हम समझते थे कि जो एफ्लुएंट ममालिक हैं जैसे यूएई हुआ या सऊदी अरेबिया हुआ, वहाँ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा इंसिडेंस भी उनसे कुछ कम नहीं है, कुछ 24-25% के करीब पॉपुलेशन में एक रीसेंट सर्वे में उन्होंने बताया कि इंसिडेंस है. अच्छा डॉक्टर ने ये बताया कि आँखों का और गिजा का कोई ताल्लुक है आपस में? आँखों का गिजा का जिस तरह उन्होंने बताया है कि जो चीज़ आप जिनमें लिपिड ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है उसके साथ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकती है. अब जिस तरह हमारी बात चल रही है शुगर के साथ, शुगर के साथ अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों में साथ जमना शुरू हो जाती है. तो शुगर के मरीजों को एक तो हमने कहा था पर्दे गीले रहते हैं, दूसरा होता है कि खून की छोटी नालियाँ बंद भी होना शुरू हो जाती हैं. तो जिसकी खून की नालियाँ तंग हो जाए और वो बंद हो जाए तो उसके बाद खून की नई नालियाँ बनती हैं, उनको नहीं पता होता कि नॉर्मल ग्रो कैसे करना है. वो जिस तरह एक दरख्त की शाखें बनती हैं पर्दे के अंदर वैसे बनती हैं, लेकिन उसके साथ इवेंचुअली होता ही है कि वो पर्दा उखड़ जाता है या उसके अंदर से जिस तरह हमने पहले कहा ब्लीडिंग हो जाती है. तो डॉक्टर साहब अगर ब्लाइंडनेस हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मरीज शुगर के हम देखते हैं उन्हें सबसे पहले यही समझाते हैं कि आप इसकी ट्रीटमेंट वक्त से पहले करा लें तो ब्लाइंडनेस से बच जाएंगे.
लेकिन कई बार वो मरीज कहता है अभी मैं सोचता हूँ, अभी कल कराता हूँ, कोई हकीम के पास चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, बाय द टाइम वो आते हैं फिर हम कहते हैं अब कर सकते हैं लेकिन शायद कोई रिजल्ट ना आए, कई आते हैं कि अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें प्रिवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट लेजर है वो बहुत जरूरी है, जिससे आप चीजों को बचा सकते हैं बनिस्बतन के आप आगे चली जाए बीमारी, तो फिर कई बार वो कंट्रोल में नहीं आती, जिससे पर्दा उखड़ जाता है फिर वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। आप अंदर जाते हैं ऐसे ही है, कोई चीज आपने कपड़ा फोल्ड कर लिया, उसको आप खोलना है दोबारा जाके, अगर वो पहले कर दिया जाए तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, अगर ना करें पहले तो वो अपनी जगह पे वैसे ही रहता है, और उसके बावजूद भी ऑपरेशन करें भी तो फिर भी उसका फायदा नहीं होता। सो यानी कि व्यूअर्स, ये बड़ी सीरियस चीज़ है, और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको चीज़ें मना है, वह तो खा लेंगे, वो गोली ले लेंगे अपनी, पर बात ये है कि व्यूअर्स आप क्यों ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आप अपनी लिटरली जान अपने हाथों से गंवा रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब अगर बताएं कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन पे अगर आ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि प्रिवेंशन अगर डायबिटीज़ है, अब अगर हो जाए तो क्या इससे हम जान छुड़ा सकते हैं, और इसका इलाज क्या है या इसकी मैनेजमेंट क्या है? अच्छा देखिए, इसको ना मैं बहुत सिंपलीफाई करके पॉपुलेशन के लिए बताना चाहूंगा, आम आदमी के लिए बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह किसी टेबल के चार पाए होते हैं ना, तो बैलेंस मेंटेन रहता है। सो डायबिटीज की मैनेजमेंट भी जो है वो इसी तरह से बैलेंस एक चार चीजों के ऊपर है मेंटेन। इसमें से एक पाया की वैल्यू 25% है, 1/4 ऑफ द मैनेजमेंट। एक पाया डाइट है, दूसरा पाया एक्सरसाइज है, तीसरा पाया मेडिकेशन है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और चौथा पाया वो टेंशंस हैं, वो चाहे जिस्मानी हों या जहनी हों, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 20-25% इन योर पुअर कंट्रोल। सो इससे आप अंदाजा, अब ये अक्सर ये जो चौथा पाया ये इंसानी इख्तियार में नहीं होता, एंड यू मे और मे नॉट नीड सपोर्ट फॉर दैट, आपको खुद ही उसको टैकल करना होता है। लेकिन जो अब उमूमी तौर के ऊपर लोग हैं वो इस तीसरे पाए यानी मेडिकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें हमें कर दी जाए कोई गिदड़ सिंगी ऐसी कि हमारी कंट्रोल हो जाए, लेकिन रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आके सुन के ये बात जरूर चले जाते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी जिंदगी पे बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए भी बैठ के ये कहना बड़े आसान है कि ये ना खाओ और ये खाओ और ये इतनी एक्सरसाइज जरूर करो, लेकिन प्रैक्टिकली सुबह पराठे अंडे खाने की मीठी लस्सी के साथ आदत है उसको आप एकदम से कहेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि एविडेंस ने साबित किया है कि डायबिटिक पेशेंट की डाइट और एक आम आदमी की डाइट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सो ये कहना कि ये डायबिटिक पेशेंट की डाइट है और ये नॉन, दोनों को जो फ्री कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी या शक्कर मिली हुई चीजें हैं या जूसेस या शेक्स हैं या घी तली हुई चीजें, दोनों को नहीं खाना चाहिए। भाई ये बात तो अब एक फैक्ट है कि चीनी को व्हाइट पॉइजन का नाम दिया गया है और कहा गया है कि इसको अवॉइड इट लाइक द प्लेग। अगर आपको कैंसर है तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि चीनी को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो जो कैंसर सेल्स है उनको और ज्यादा इनकरेज करती है बनने में, तो वो आपकी बीमारी को मजीद और खराब करती है। एडिक्शन आप एक दफा जब आपकी एनर्जी लेवल डाउन होंगे आप मजीद खाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे एंड में? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में, मैंने ट्रीटमेंट और उस पर बात की है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डायबिटीज दो किस्म की है, जिस तरह मैंने बताया, एक टाइप वन है एक टाइप टू है। टाइप वन में तकरीबन 40% लोगों को पर्दे के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, और जो टाइप टू है उसमें 20% को 20% को आएंगे। लेकिन अगर किसी को 15 से 20 साल तक शुगर है तो 90% चांसेस है कि उसको पर्दे के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। ये चीज मरीजों को और जो फिजिशियंस उनको देख रहे होते हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है कि वो मरीज हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए दिखाएं। ये नहीं है कि अलामत आए तो आप दिखाएं, अलामत आने से पहले दिखाना। स्क्रीनिंग, जिसकी बीमारी अगर हम देख लेते हैं तो फिर हम 3 से 6 महीने पर उनको देखते रहते हैं। अगर किसी को बीमारी नहीं है और उसको बहुत अर्ली स्टेज पे पिकअप हुई है तो फिर हम साल में एक बार देख लेते हैं, और अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम उसे कहते हैं पहले करवा लें, इससे पहले कि नजर नीचे चली जाए, क्योंकि जब नीचे चली जाती है उसको वापस लाना काफी मुश्किल है। उसको वहां पे स्टेबल कर सकते हैं, वापस लाना मुश्किल आ जाता है। सर आप साहब, अगर कंक्लूजन में आप हमारे व्यूअर्स को ये जरूर बता दें, बहुत से लोग इन्होंने एक बात पॉइंट आउट की, मैं चाहूंगी कि उस पर आप बात को क्लोज करें। कहेंगे हम हकीम पे चले जाएंगे, हम अजवा
की खजूर की गुठली जो है उसको पीस के खा लेंगे, तो डॉक्टर साहब फिर लोग इलाज नहीं करते और इंसुलिन लगाने को वो सोचते हैं कि जैसे कोई हमें इंसुलिन लग गया, तो इंसुलिन तो आपके अंदर ही होता है, तो इतनी क्या बड़ी, तो थोड़ा सा अगर इस पे आप बात कंक्लूड। अच्छा देखिए, जहाँ तक मेरा कोई कमेंट किसी और तरीके इलाज के बारे में, आई थिंक इट इज नॉट फेयर ऑन माय पार्ट कि मैं हिकमत या होम्योपैथी या किसी और तरीके इलाज के बारे में कोई कमेंट दूं, बिकॉज ये मेरा इल्म नहीं है। आई ओनली नो अबाउट एलोपैथिक, सो उनके बारे में तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। इट्स रियली पेशेंट की अपनी मर्जी है कि वो क्या तरीका इलाज इख्तियार करना चाह रहा है। लेकिन जहां तक इंसुलिन के बारे में है, इंसुलिन इज द सेफेस्ट मेडिसिन। सिर्फ इशू ये है कि उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, सो सुई लगाने का अज खुद एक खौफ होता है। इंसुलिन लोग अक्सर कहते हैं कि हम इसलिए नहीं लगा रहे कि हमारे एक फलाना अजीज था जिसको आखिर में लगी थी, फिर इंतकाल हो गया था, तो अब सवाल ये है कि उस वक्त भी इंसुलिन लगी थी इस वजह से कि दैट वाज सेफेस्ट। ओरल मेडिकेशन नहीं दी गई थी इस वजह से कि उनके मजीद नुकसान होने का अंदेशा था। सो इंसुलिन इज सेफेस्ट, सो इस खौफ को दिल से निकालना चाहिए। रिगार्डिंग मेडिकेशन, मेरे ख्याल है अगर लाइफस्टाइल चेंज को किया जाए लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, तो मेडिकेशन की जरूरत बहुत मिनिमल होगी। और इंसुलिन से डरने की बिल्कुल जरूरत इस वजह से नहीं है कि ये तो जिस्म के अंदर बनती है। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, अब तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। पहले होती थी कि वो किसी जानवर के सीरम से ली जाती थी और बनाई जाती थी, अब तो वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ह्यूमन इंसुलिन है। सो इस वजह से उसमें कोई रिएक्शन होने के इम्कानात ना होने के बराबर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी डॉक्टर में बहुत शुक्रिया। यूएस वर्ल्ड डायबिटीज डे कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाएगा। ये जरूर कहूंगी कि जैसे इंसुलिन जिसमें बनती है और अगर नहीं होती तो हमें उसको लगाना पड़ता है, उसी तरह अगर हमें हमारे जिसम में पानी खत्म होता है तो हमें पानी तो डालना पड़ता है, हर रोज हम पानी पीते हैं। ये वो वाली बात है कि भाई मैं क्यों पानी पीऊँ, मैं पानी पीऊंगी तो मेरे जिसम में, मतलब अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप पानी पियेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब चीजों की जरूरत है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो सब आप अपने सिस्टम में डालते हैं। तो अगर जिस्म में किसी चीज की कमी है तो उसे पूरा तो करना ही है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है अनफॉर्चुनेटली जिसको फिर आपको मैनेज करना पड़ता है अपनी सारी जिंदगी, और एक अच्छे मयार की जिंदगी अगर आपने गुजारनी है तो वो जो चार पाए हैं, जो चार चीजें डॉक्टर साहब ने कही हैं कि आपने अपनी डाइट, एक्सरसाइज, अपनी मेडिसिन और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर रबी लवल की मुनासिबत से गुफ्तगू करेंगे।